नमस्कार, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उर्मिलाज कॉर्नर में स्वागत है। आज हम लोग बनाएंगे कच्चे आम और आटे से गुड़ की लपसी, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। अभी आम का सीजन चल रहा है और कच्चे आम से हम लोग तरह तरह की चीज़ें बना रहे हैं, आम के अचार बना रहे हैं, आम की खटमिट्टी बना रहे हैं, तो इसी में हम लोग ये लपसी बनाएंगे जो कि बहुत ही टेस्टी लगती है और सभी को बहुत पसंद आती है। खासकर इसे बच्चे तो काफ़ी पसंद करते हैं। इसे हम लोग पूरी पराठे के साथ खा सकते हैं या फिर हम इसे ऐसे भी खा सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग एक मुट्ठी आटा को सान करके ले लेंगे, या फिर हम जो रोटी के लिए आटा सानेंगे उसमें से ही निकाल लेंगे। ये हल्का सा कड़ा होना चाहिए। और यहाँ पर 50 ग्राम आटा लेंगे और एक कच्चा आम लेंगे, जिसे हम इस तरह से पतले पतले स्लाइसेस में काट लेंगे। पहले हम सूखे और गूथे हुए आटे दोनों को लेंगे। अब हम इस सूखे आटे को थोड़ा सा प्लेट में डालेंगे और इस गूथे हुए आटे से थोड़ा सा हम अपने हथेली पर लेंगे और आटा को इस तरह से हाथ पे थोड़ा सा लगा लेंगे ताकि हमारे आटा चिपके नहीं। और थोड़ा थोड़ा आटा लेकर के हम इस तरह से सेवई जैसा छोटा छोटा इसमें बनाएंगे, एक एक इंच के लगभग पतला पतला छोटा छोटा इस तरह का। बचपन में तो हम लोग इस तरह से, हमारी मम्मी दादी बोलती थी कि ये हम तुम लोग के लिए चिड़िया बना रहे हैं। तो आप लोग के घरों में इसे क्या कहा जाता है ये हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। और इस तरह से इसे आटे में मिलाते जाएंगे ताकि हमारा ये जो सेवई है वो चिपके नहीं एक दूसरे में। इसी तरह से हम सारे को बना लेंगे। जब ये हमारी आटे की सेवई बन जाएगी तो हम इसे इस तरह से इसके आटे को झाड़ लेंगे और फिर हम उसे साइड में एक कटोरी में रखते जाएंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं। और इसी तरह से हम सारे आटे की सेवैयों को बनाते जाएंगे और फिर उसे आटे में लपेटकर झाड़कर हम रख लेंगे। करीब हम लोग एक कटोरी आटे की सेवई को बनाएंगे। ये देखिए, ये हमारी लगभग एक कटोरी आटे की सेवई बन के रेडी हो गई है। अब हम ये बचे हुए आटे का रोटी बना लेंगे। चलिए अब हम लोग गैस की तरफ चलते हैं। गैस पर हम कढ़ाई गर्म होने के लिए रखेंगे और इसमें डालेंगे एक चम्मच घी। जब हमारा घी ये पिघल जाएगा हम इसमें डाल देंगे अपने ये आटे की सेवई को और इसे अच्छी तरह से मीडियम फ्लेम पर भूनते रहेंगे जब तक ये हल्का कुरकुरा ना हो जाए। करीब इसे हम लोग 5 से 10 मिनट भूनेंगे मीडियम फ्लेम पर। इसे हम भूनते के साथ एक बार चेक कर लेंगे ये कड़ा हुआ है कि नहीं। तो ये हो गया है, अब हम इसे निकाल लेंगे। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल ले रहे हैं। और इसी कढ़ाई में आधा चम्मच घी और डाल देंगे। और इसी में आम के स्लाइसेस को डाल करके भून लेंगे। यहाँ पर हम लो फ्लेम कर देंगे और इसे भी 10 मिनट के लिए भून लेंगे ताकि ये थोड़ा पक जाए। इसे हम ढक ढक करके थोड़ा पका लेंगे। 10 मिनट तक चलाकर इसे अच्छी तरह भून लेंगे। तो आम हमारा देखिए अच्छी तरह से भून गया है। अब हम इसे भी निकाल लेंगे। अब हम इसी कढ़ाई में आटा डालकर भून लेंगे। हम यहाँ पर 4 चम्मच आटा डाल रहे हैं और इसे हल्का लाल करके भून लेंगे। ये हल्का लाल हो गया है, अब हम इसे निकाल लेते हैं। भुना हुआ आटा हमारा यहाँ पर 1.25 कटोरी है, एक कटोरी से थोड़ा कम है। तो इसी नाप से हम इसमें 4 कटोरी पानी डाल करके दूसरे बर्तन में इसे डालकर घोल लेंगे। देखिए यहाँ पर हम 4 कटोरी पानी डालकर इसे घोल लिए हैं। अब हम कढ़ाई फिर से गर्म करेंगे और इसमें घी का फोरन देंगे। यहाँ पर हम आधा चम्मच घी डाल रहे हैं और इसमें फोरन में
दो तीन सूखी लाल मिर्च और आधा चम्मच सौंफ का हम फोरन डालेंगे। फोरन हमारा यहाँ पर जल गया है। अब हम इसमें ये जो हमारा आटा का घोल था इसमें हम डाल देंगे। यहाँ पर हम फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे और घोल को लगातार चलाते रहेंगे। अगर हमें यहाँ पर लगता है कि हमारा पानी थोड़ा कम है तो हम ऊपर से इसमें पानी डाल सकते हैं, क्योंकि ये जब हम इसे बना लेते हैं तो ये ठंडा होने के बाद ये और भी गाढ़ा हो जाता है, तो इसलिए हम अभी इसे थोड़ा सा और पानी डालकर इसे पतला कर सकते हैं। और इसमें हम डाल रहे हैं 100 ग्राम चीनी और गुड़ मिलाकर। आप चाहे तो 100 ग्राम चीनी भी डाल सकते हैं या 100 ग्राम गुड़ भी डाल सकते हैं, लेकिन दोनों मिलाकर डालने से ज़्यादा अच्छा बनता है, इसका टेस्ट अच्छा आता है। अब हम इसमें इसे घुलने तक पकाते हैं और इसे हमें 5-10 मिनट इसी तरह चलाकर पकाना है। तब तक हमारा चीनी और गुड़ भी घुल जाएगा। यहाँ पर हमारा गुड़ और चीनी घुल गया है, तो अब हम इसमें भुने हुए सेवई और आम को डाल देते हैं। यहाँ पर 10 मिनट तक हम इसे पकाएंगे ताकि हमारा आम भी थोड़ा अच्छी तरह से पक जाए और गल जाए, थोड़ा आटा का घोल भी हमारा पक जाए। सारे चीज़ अच्छी तरह से 10 मिनट में हमारे पक जाएंगे। और इसकी कंसिस्टेंसी देखिए इस तरह की हम रखेंगे, क्योंकि इसे ठंडा करने के बाद ये थोड़ा और गाढ़ा हो जाता है, तो इस तरह का रहेगा ये। तो अब हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। तो हमारा ये चटपटा आम का लस्सी बनके तैयार हो गया है, और आप सभी भी इस आम के सीजन में ज़रूर बनाएं और हमें कमेंट कर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। और अगर आप सभी को ये रेसिपी पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब तो सबसे पहले कीजिएगा ताकि अगला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू।